दहेज और महिलाओं पर अत्याचार को लेकर कड़े नियम और कायदे बनाए जा रहे हैं। इसके बावजूद महिलाओं पर अत्याचार का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बेरहम और जालिम ससुराल वालों ने 8 महीने पहले ब्याह कर लाई गई अपनी बहू को मायके से पैसे लाने के लिए लगातार प्रताड़ित करते हुए बार बार उस पर जुल्म करते रहे और 10 अगस्त की रात सोम्या परवीन को उसके पति शेख इमरान, ससुर शेख जब्बार और सास रजिया बी ने मिलकर पहले मारा और नियोजित बद्ध तरीके से उसे फांसी पर लटका दिया, ताकि पूरा मामला आत्महत्या का नजर आए। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जुल्म की इंतहा पार करते हुए ससुराल वालों ने सोम्या जिंदा ना रह जाए इस डर से लगभग उसे 1 घंटे तक लटकाए रखा। इसके बाद साजिश की अगली कड़ी में उसे बिस्तर पर लटा दिया और उसके मायके वालों को सोम्या के तबीयत खराब होने की जानकारी दी। मायके वाले जब घर पहुंचे तो सोम्या को बिस्तर पर लेटा हुआ देखकर उसे तुरंत पहले निजी अस्पताल और फिर सरकारी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने सोम्या को मृत घोषित कर दिया। लेकिन सोम्या के गले पर निशान देखकर सोम्या के मायके वालों को साजिश की बू नजर आने लगी। उन्होंने तुरंत जूना शहर पुलिस से संपर्क साधा और इस पूरे मामले की रिपोर्ट लिखाई, जिसके आधार पर जूना शहर पुलिस हरकत में आई और मामले को गंभीरता से लेते हुए 12 घंटे के भीतर ही सोम्या की मौत के रहस्य से पर्दा उठाते हुए उसके पति, सास और ससुर को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे मामले की जानकारी हमारे संवाददाता शाहिद इकबाल को जूना शहर पुलिस स्टेशन के थानेदार गजानंद दुल्हने ने दी। आज सुबह हम मेन हॉस्पिटल से जूनी शहर पुलिस स्टेशन में इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई, जिसके तहत एक 20 साल की महिला थी सुमैया शेख इमरान, इनको मृत हालत में वहां पे उनके परिवार के लोग लेके गए थे। उसके बाद हमने जाके जब देखा हमारे ऑफिसर ने, तो इन्फेक्शन पंचनामे में कुछ ऐसे सिम्टम्स मिले जिसके तहत ये कोई साधारण नैसर्गिक नेचुरल मौत नहीं थी, जिसमें कुछ तो भी साजिश हमें हो सकती है इसका अंदाजा आया। उसके बाद हमने टीमें को गठित किया, घटनास्थल, आजू बाजू के जो साक्षीदार है और उनके परिवार के सदस्य, इनके पास हमने गहन पूछताछ की, जिससे पता चला कि उसके पति, सास और ससुर इन्होंने साजिश करके इस महिला की हत्या की है, ऐसा हमें निष्पन्न हुआ। तपास के जो बाकी भी पुरावे थे वो हमें प्राप्त हुए और मृतक महिला के जो फादर थे उन्होंने यहाँ पे आके उसी तरह रिपोर्ट दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि 7 महीने पहले उनके बेटी की शादी हुई थी और उसमें पैसे के लिए ये उनको बेटी को तकलीफ दे रहे थे, तो उसको जान को वैसे भी तकलीफ थी, तो ये इसके वही कारण से ये साजिश उन्होंने रची है और सभी आरोपियों को ताबे मिले के कल हमको हम उनको कोर्ट में पेश करने वाले हैं।